उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत। बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए है, कोशिश करना है वीडियो को पूरा देख लें। पाकर में आपके कोई वालिदैन हैं, आपके भाई हैं, आपको उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। रिलैक्सेशन से ये मुराद है कि आपको थोड़ा बहुत साल, डेढ़ साल, छः महीने, आठ महीने, दस महीने तक आपको कोई रियायत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे होते हैं, अमूमन वो लड़के कमेंट कर रहे होते हैं जिनके वालिदैन आर्मी में होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि हमें उम्र में कोई रिलैक्सेशन मिल सकती या नहीं मिल सकती। तो सुन लें, समझ लें, समझने की कोशिश करें। आगे जाकर अगर आपका इस तरह कोई मसला है तो आप उसमें अप्लाई कर दें, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है, अगर आपके वालिदैन पाक आर्मी से रिटायर हैं तो अच्छी बात है, आप अप्लाई करें, 24 में अप्लाई करें, उनकी आप कापी उसके साथ जमा करें, ठीक है ना। अगर आपकी उम्र पूरी है, अगर आपकी उम्र पूरी है वहाँ पर जमा करें, आपको 10 नंबर तो तकरीबन अमूमन मिल जाएंगे अगर सही तरीके से आपके वालिदैन वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना। मतलब उस वो पेंशन ले रहा है, हर महीने पेंशन ले रहा है, ठीक है ना। जो भी उनके जीपी फंड वगैरह बनते हैं वो उनको मिल रहे हैं, तो ठीक हो गया, आपको तो वो 10 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात रह जाती है, अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी है आपको रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी तक मैंने जो चेक किया है, जितने भी भर्ती आ चुके हैं अभी तक इस तरह कोई भी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है ना। कि उनका हाँ एक शर्त के ऊपर आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है कि अगर आपके पास कोई बीए का डिप्लोमा है, सॉरी बीए का अगर आपके पास कोई एसोसिएट डिग्री है तो उसके ऊपर आपको एक साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। शहीद अगर हो चुका है उसमें तकरीबन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अगर रिटायर्ड हो चुका है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने देखा है, काफ़ी मैंने पोस्टर वगैरह देखे हैं, काफ़ी मैंने अपने फ्लैक्स वगैरह जो आर्मी की भर्ती पिछले से आए थे, तो मैंने सोचा शायद उसमें कोई हो, लेकिन उसमें मुझे नहीं मिला। मिला है सिर्फ उसमें मिला है कि जिनके वालिदैन शहीद हो या उसका कोई भाई शहीद हो चुका है तो उसमें तकरीबन 6-8 तकरीबन साल तक आप चले जाए, साल तक आपको ये रिलैक्सेशन आसानी से मिल जाती है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई वालिद आपका रिटायर हो चुका है, घर में फोत हो चुका है, ठीक है ना, तो फिर कोई नहीं है, फिर कोशिश करें उसकी कापी जमा करें, वो नंबर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर इस तरह कोई है, शहीद है आपका वालिद से भी आपका भाई है, तो वहाँ पर आप उनके जो शहादत की जो कागज है, पेंशन की जो भी मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप ले जाएँ, रिक्वेस्ट करें सीईओ को, आप करें जिस सीईओ को करें कि सर मेरा भाई था, मेरा वालिद से था, वो आर्मी में था, ठीक है ना। या आर्मी में ये नहीं है कि मतलब आपका आर्मी किसी भी कोर में हो, क्लर्क में हो, नर्सिंग में, बस आर्मी में हो, ठीक है ना। उसमें फोत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, मेरी उम्र तकरीबन 6 महीने ज़्यादा हो गई, 2 महीने ज़्यादा हो गई, साल ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। आप मेरे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें और मुझे किसी कोर में डालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसी तरह कोई है रिटायर्ड अगर है तो उनकी कापी आप जमा करें, अगर शहीद हो चुके हैं तो मतलब आप कह सकते हैं कि सर मेरे साथ आप थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन करें, गुजारा करें, इंशाल्लाह वो आपके साथ कर देंगे और आपको किसी अच्छे से कोर में डाल देंगे, ठीक है ना। तो मैं लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देंगे। थैंक यू।